हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 6.3 पे और क्वेश्चन नंबर है 36 कि अगर डिटरमाइन द रेशियो इन विच द पॉइंट दिस डिवाइड द ज्वाइन ऑफ ए एंड बी आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। हमें क्या करना है कि रेशियो फाइंड करना है इन दोनों लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने पर एक पॉइंट ये जो है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वही रेशियो फाइंड करना है। इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को यह पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर, ये निकालना है और फिर हमें इस ए का वैल्यू भी निकालना है। चलिए हम लोग ध्यान से देखिए, एक पॉइंट लेते हैं ए जिसका कोऑर्डिनेट है -3 -1 और एक पॉइंट ले लेते हैं बी जिसका कोऑर्डिनेट है -8 -9। इन दोनों को ज्वाइन करने वाले अगर लाइन सेगमेंट की बात करें तो लाइन सेगमेंट आपका ए बी हो जाएगा और इस ए बी पर एक पॉइंट हम लोग यहाँ पी ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट -6 a है और ये ही क्या कर रहा है कि इसे के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। तो ये आपका m रेशियो n हो जाएगा, ये आपका x1 y1 और ये आपका x2 y2 हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेट द पॉइंट p जिसका कोऑर्डिनेट है -6 a डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो के रेशियो 1। तो अब देखिए हम लोग इसके लिए सेक्शन फॉर्मूला जानते हैं ना जी, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है तो हम लोग जानते हैं mx2 + n x1 / m + n my2 + n y1 / m + n। तो इसी के अकॉर्डिंग आप देखिए क्या हो जाएगा, k (-8 + 1 - 3) / k (+1) और हो जाएगा k (-9 + 1 - 1) / k (+1) = यहाँ पर है -6 a। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, आगे ध्यान से देखिएगा, यहाँ हो जाएगा -8 k - 3 / k (+1), यहाँ हो जाएगा 9 k - 1 / k (+1) = -6 a। अब इसके बाद हम लोग आगे यहाँ देखते हैं, -8 k - 3 / k (+1) = -6 एंड यहाँ पे हो जाएगा 9 k - 1 / k (+1) = a। अब इसके बाद देखिए इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, -8 k - 3 - 6 k - 6। अब इसके बाद हम लोग आगे यहाँ देखते हैं, -8 k + 6 k - 6 + 3। तो यहाँ -2 k = -3, -2 डिवाइड हो जाएगा, k का वैल्यू 3/2 हो जाएगा। इसमें पुट कर देते हैं, पुट k = 3/2, तो 9 × 3/2 - 1 / 3/2 + 1 = a। अब देखिए इसे सॉल्व कर देते हैं, ऊपर नीचे एलसीएम लेके, ऊपर एलसीएम होगा 2 (27 - 2) है ना जी, और नीचे एलसीएम 2 होगा 3 + 2 = a। ये इससे कट जाएगा, ऊपर 25 और नीचे आपका यहाँ 5 हो जाएगा, तो 5 × 5 = 25, a का वैल्यू यहाँ 5 हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि रेशियो वह 3:2 के का वैल्यू है ना, एंड ए का जो वैल्यू है यहाँ 5 हो जाएगा। समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37, क्या कह रहा है कि ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल फॉर्मड बाय जॉइनिंग द पॉइंट ए बी सी एंड डी एंड पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रेस्पेक्टिव, इज द क्वाड्रेटर पी क्यू आर एस इज ए स्क्वायर ए रेक्टेंगल और ए रोम्बस, जस्टिफाई योर आंसर। अब आंसर को जस्टिफाई करना है, चलिए देखते हैं। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पर एक रेक्टेंगल पहले बना लेते हैं, इसका नाम देते हैं यहाँ पर ए बी सी डी, ठीक है। अब इसका यहाँ कोऑर्डिनेट दिया -1 -1, बी का दिया -1 4, सी का दिया हुआ है यहाँ पर 5 4 और डी का दिया हुआ है यहाँ पे 5 -1। अच्छा, इनके साइड का मिड पॉइंट जो है, ए बी का यहाँ देखो पी है, बी सी का आपका क्यू है, सी डी का आपका मिड पॉइंट आपका आर है और डी ए का यहाँ पर ऐसे है। तो इन इनको ज्वाइन करने पे जो यहाँ क्वाड्रिलेटर बनेगा, ये क्वाड्रिलेटर है क्या, यही हमें बताना है, ठीक है।
ये क्वाड्रेटर कौन सा क्वाड्रेटर है ये हमें बताना है, पी क्यू आर एस कैसा क्वाड्रेटर है। तो पहले तो ये मिड पॉइंट है, तो इन सबके पहले क्वाड्रेट को निकाल लेंगे, उसके बाद देखा जाएगा इसके साइड को और इसके डायगोनल को निकाल के हमें पता चल जाएगा, साइड और डायगोनल को फिर बाद में निकाल लेंगे। चलिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि पी क्यू आर एन एस आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रेस्पेक्टिवली ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। रेक्टेंगल ए बी सी डी के साइड के मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो इन सबका कोऑर्डिनेट पहले निकालते हैं। सबसे पहले पी के कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, तो पी के कोऑर्डिनेट -1 + -1/2 - 1 + 4/2। तो यहाँ से ये आपका आ जाएगा -2/2 और यहाँ पर 3/2, यानी आ जाएगा -1, 3/2 - 1, 3/2। अच्छा अब क्यू के लिए चलते हैं, क्यू का कोऑर्डिनेट क्यू के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए -1 + 5/2 और 4 + 4/2 आ जाएगा, यहाँ पर 4/2 और 8/2, ये 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, 2, 4। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आर के लिए बात करते हैं, 5 + 5/2 और -1 + 4/2 क्या हो जाएगा, 10/2 और यहाँ 3/2। तो इसका आपका आ जाएगा 5, 3/2। ठीक है, 5, 3/2। अब इसके बाद हम लोग एस के लिए बात करते हैं, तो एस के लिए क्या हो जाएगा, एस के लिए क्या हो जाएगा, -1 + 5/2 - 1 + -1/2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4/2 और यहाँ पर -2/2, ये 2 times 1, यहाँ 2, -1 आ जाएगा, एस का कोऑर्डिनेट आ गया 2, -1, सबका निकल गया। अब इसके बाद देखिए, चलिए तो अब इसके बाद हम लोग ये जो क्वाड्रेटर आप देख रहे हैं इनके सबकी साइड और डायगोनल निकालते हैं। सबसे पहले पी क्यू की बात करते हैं, पी क्यू रूट अंडर क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा -1 - 2 का स्क्वायर और प्लस में 3/2 - 4 का स्क्वायर। चलिए अंदर हो जाएगा यहाँ -3 का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, देखो 4 × 3 = 12 है ना जी, सॉरी 4 × 2 = 8 और 8 में ये -5/2 का स्क्वायर, 9 + 25/4। ठीक है, एलसीएम लेके ऐड कर देंगे, रूट एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 4 + 36 + 4 = 25। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी आ जाएगा यहाँ पर कितना, रूट अंडर यहाँ पर ये यह हो जाएगा 1 √61/2। अच्छा पी क्यू आ गया, अब क्यू आर निकालते हैं और रूट अंडर 5 - 2 का स्क्वायर और प्लस में 3/2 - 4 का स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा एलसीएम लेके करेंगे माइनस का 5/2 का स्क्वायर, ये भी सेम वही आएगा √61/2। क्यू आर के बाद निकालते हैं हम लोग आर एस, आर एस के लिए रूट अंडर 5 - 2 का स्क्वायर और प्लस में 3/2 + 1 का स्क्वायर। यहाँ भी सॉल्व करते हैं, देखिए 3 का स्क्वायर प्लस में 5/2 का स्क्वायर, यहाँ भी सेम वही आ जाएगा √61 और बाई में यहाँ 2। चलिए अब इसके बाद हम लोग पी एस निकालते हैं, रूट अंडर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा 2 + 1 का स्क्वायर प्लस में -1 - 3/2 का स्क्वायर, सेम यहाँ पे वही आएगा √61/2। तो चारों साइड इक्वल होगा, डायगोनल निकालते हैं, पी आर यहाँ पर क्या हो जाएगा,
तो 5 + 1 का स्क्वायर और प्लस में 3/2 - 3/2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 का स्क्वायर, है ना जी, 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 36, यानी कि 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर QS निकालते हैं, √2 - 2 का स्क्वायर और प्लस में 4 + 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर और प्लस में 5 का स्क्वायर, 5 आ जाएगा, है कि नहीं। तो देखिए ये चारों साइड इक्वल है, PQ इक्वल टू QR इक्वल टू में RS इक्वल टू में PS, चारों साइड इक्वल है, बट यहाँ देख रहे हैं PR जो है ना डायगोनल वह QS डायगोनल के इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, फोर साइड इक्वल और डायगोनल अनइक्वल, देयरफॉर कह सकते हैं कि PQRS इज अ रोम्बस, क्या हो जाएगा ये रोम्बस हो जाएगा, यही हमें दिखाना था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38, क्या कर रहा है कि पॉइंट पी क्यू आर एंड एस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इन 5 इक्वल पार्ट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी क्यू एंड आर, ठीक है, पी क्यू एंड आर का निकालना, यानी इसका नहीं निकालना। चलिए देखते हैं, हम लोग यहाँ पर दो पॉइंट पहले ले लेते हैं, एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है 1, 2, ठीक है, और एक अदर पॉइंट जो है बी है जिसका कोऑर्डिनेट है 6, 7, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट ए बी होगा, इसको 5 इक्वल पार्ट में बांटने वाला 4 पॉइंट कौन कौन से हैं, पी है, क्यू है, आर है और एस है, 5 इक्वल पार्ट में बच रहा है। तो ये आप रेशियो देखो, यहाँ 1:4 लेना होगा, यहाँ 2:3 लेना होगा, और आर के लिए जब निकालेंगे तो इधर 3 पार्ट है और इधर 2 पार्ट है, तो 3:2 लेना होगा, फिर इनके निकाल देंगे। हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं क्या हमारे पास दिया हुआ है, पहले से ही ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये पहले से ही दिया हुआ, लिखने की कोई जरूरत मुझे नहीं लग रही है, ऐसे लिख भी सकते हैं कि पॉइंट्स पी क्यू आर एंड एस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए जिसका कोऑर्डिनेट है 1, 2 एंड बी जिसका कोऑर्डिनेट है 6, 7 इन 5 इक्वल पार्ट्स। तो 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसी के हिसाब से हमने रेशियो लिख ही दिया है। तो अब हम लोग यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला एम एक्स टू प्लस का एन एक्स वन बाई में एम प्लस एन, एम वाई टू प्लस का एन वाई वन बाई में एम प्लस का एन। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे, सबसे पहले पी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये आपका एक्स वन वाई वन लेंगे, ठीक है, और ये आपका एक्स टू वाई टू, और जब भी रेशियो जाएंगे एम रेशियो एन, ए फिर ये फिर ये के करके। चलिए 1 × 6 + 4 × 1 / 1 = 4, 1 × 7 + 4 × 2 / 1 = 4। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 6 + 4/5 = 7 + 8/5, यानी हो जाएगा 10/5 और 15/5, यहाँ 2 और यहाँ 3, तो 2, 3 इसका क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद Q का लेते हैं, तो Q के लिए देखिए क्या हो जाएगा, 2 × 6 + 3 × 1 / 2 + 3, 2 × 7 + 3 × यहाँ पर आपका 2 और बाई में 2 + 3। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ इसके लिए यहाँ पर लिख देते हैं 8 + 3/5 = 12 ना हो जाएगा, 12 + 3/5, और यहाँ हो जाएगा 14 + 6/5, यानी आ जाएगा यहाँ पर 15/5 और 20/5, 3 × 4 = 3, 4 इसका कोऑर्डिनेट आ गया। चलिए अब उसी तरह से R के लिए बात करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे R के लिए रेशियो क्या लिए हैं, 3:2 ना,
थ्री इंटू में सिक्स प्लस का टू इंटू में वन बाई में थ्री प्लस टू, थ्री इंटू में सेवन प्लस टू इंटू में टू बाई में थ्री प्लस टू। अब इसके बाद देखते हैं, चलिए 18 प्लस 2 बाई 5, 21 प्लस 4 बाई 5, यानी आ जाएगा 20 बाई 5 और 25 बाई 5, ठीक है 4 और यहाँ 5 आ जाएगा, तो 4 कॉमा 5 आर का क्वाड्रेंट हो गया, तो हमें पी क्यू आर तीनों का क्वाड्रेंट मिल गया, समझ गए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39, क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आर टू पॉइंट हैविंग द क्वाड्रेंट दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पी सच दैट ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी। अच्छा यहाँ पर देखिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं ए, जिसका कोऑर्डिनेट है -2, -2, -2, और बी जो है जिसका कोऑर्डिनेट है 2-4, ठीक है। अब इन दोनों को हम लोग यहाँ पर ज्वाइन कर देते हैं, इस पर एक पॉइंट है पी, जहाँ यहाँ इसका रिलेशन दिया है कि ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी। एक काम करते हैं यहाँ से ए बी बाई ए पी कर लेते हैं, तो ये इधर आ जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा, 7/3 हो जाएगा। अच्छा अब सब्ट्रैक्ट 1 कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 1 इन बोथ साइड, ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा ए बी बाई ए पी माइनस 1 इक्वल टू 7/3-1, इधर एलसीएम होगा ए पी, ए बी माइनस का ए पी इक्वल टू में यहाँ 3 एलसीएम होगा 7-3, तो ए बी में से इस पूरे में से ए पी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बी पी हो जाएगा, और बाई में ए पी इक्वल टू में 4/3, तो यहाँ से हमें ए पी बाई बी पी मिल जाएगा 3/4, ए पी और बी पी का रेशियो 3:4, तो यही आपका एम रेशियो एन हो जाएगा, और ये एज ए एक्स वन वाई वन, ये एज ए एक्स टू वाई टू लेंगे, और फिर यहाँ सेक्शन फॉर्मूला लगा कर पी का कोऑर्डिनेट निकाल देंगे, तो पी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एम के प्लस पर 3 एक्स टू है 2, एन के प्लस पर 4 एक्स वन है -2, बाई में एम प्लस एन यानी 3+4, एम का वैल्यू है 4, एम का वैल्यू है 3, और वाई टू का वैल्यू है -4, प्लस एन का वैल्यू है आपके पास 4, और y1 का वैल्यू है -2, बाई में m प्लस एन 3+4। तो अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6-8 बाई में 7, माइनस का 2l माइनस का 8 बाई में 7, तो -2/7 और माइनस का 20/7, यही इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द ए एंड बी इंटू 4 इक्वल पार्ट। अच्छा तो 3 पॉइंट्स होंगे जो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, ए पॉइंट लेते हैं यहाँ पर जिसका क्वाड्रेंट है -2, 2, एंड बी जो पॉइंट है जिसका क्वाड्रेंट है 2, 8। अच्छा इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट ए बी देख रहे हैं, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले पॉइंट्स जो होंगे वो कितने पॉइंट्स होंगे, 3 पॉइंट्स होंगे, ठीक है पी क्यू आर। यहाँ का रेशियो देखो 1:3, 2:2 और इधर आपका 3:1। यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट पी क्यू एंड आर डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो अब हमें इनके इन सब के क्वाड्रेंट निकालने होते हैं, हम सेक्शन फॉर्मूला तो जानते हैं, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, एम एक्स टू प्लस का एन एक्स वन बाई में एम प्लस एन, एम वाई टू प्लस का एन वाई वन बाई में एम प्लस का एन, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये देखिए आपका x1 y1 है और ये आपका x2 y2 है, यहाँ देखिए m रेशियो n ये लेके चलेंगे, और फिर जब q का निकालेंगे तो इसको लेके चलेंगे, फिर r को निकालेंगे तो ये लेके चलेंगे, तो P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1 इंटू में 2 प्लस का 3 इंटू में -2 बाई में 1+3,
ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 1 × 8 प्लस का 3 × 2 बाई में 1 + 3 क्या हो जाएगा 2 − 6/4 और यहाँ हो जाएगा 8 + 6/4 माइनस का 4/4 और यहाँ 14/4 ये कर जाएगा 1 times में और यहाँ पर हो जाएगा 2 यहाँ 7 तो आ जाएगा −1, 7/2। अब चलिए अब इसके बाद निकालते हैं क्यू के लिए, तो क्यू के लिए ratio 2 है ना जी, तो क्या हो जाएगा 2 × 2 + 2 × −2 बाई में 2 + 2 2 × 8 + 2 × 2 बाई में 2 + 2। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है 4 − 6/4 ठीक है 4 − 4/4 और यहाँ हो जाएगा आपका कितना 16 + 4/4 ठीक है। चलिए अब इसके बाद 0/4 और यहाँ हो जाएगा 20/4 ये 5 times यानी कि 0,5 इसका क्वाड्रेंट हो गया। अब आर का निकाल लेते हैं, तो आर के लिए यहाँ पे चलते हैं आर का क्वाड्रेंट निकालने के लिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एम के प्लेस पर है 3 एक्स टू है 2 एन के प्लेस पे होना है एक्स वन है −2 बाई में एम प्लस एन यानी 3 + 1 फिर हो जाएगा 3 × 8 + 1 × 2 बाई में 3 + 1। चलिए अब इसके बाद देखते हैं 6 − 2 बाई में 4 और यहाँ हो जाएगा 24 + 2 बाई में 4 4/4 और यहाँ 26/4 2 यहाँ 13 ये 1 तो 1, 13/2 इसका क्वाड्रेंट आ गया। तो तीनों हमने निकाल दिया है पी क्यू आर तीनों का निकाल दिया, समझ गया कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए 3 consecutive वर्टेक्स ऑफ ए पैलोग्राम यहाँ दिए हुए हैं तो फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स। तो चलिए पहले हम लोग एक पैलोग्राम यहाँ कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ये आपका एक पैलोग्राम हो जाएगा ठीक है, ये आपका पैलोग्राम हो जाएगा ठीक है ए बी सी डी 3 consecutive वर्टेक्स दिया तो ये −2 − 1 बी का हम लोग ले लेते हैं 1 0 सी का ले लेते हैं आपका 4 3 और यहाँ पर डी का हम लोग XY ठीक है। हम लोग यहाँ पर इसको और इसको ज्वाइन कर लेते हैं ठीक है। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं लेट ए जिसका क्वाड्रेंट है −2 − 1 बी जिसका क्वाड्रेंट है 1 0 सी जिसका क्वाड्रेंट है 4,3 एंड डी इसका जो हमने क्वाड्रेंट ले लिया है XY ये हमने सपोज कर लिया आर फोर वर्टेक्स या वर्टेक्स ऑफ पैलोग्राम ए बी सी डी पैलोग्राम के वर्टेक्स है। हम लोग लिख सकते हैं वी नो डैट द डायगोनल ऑफ पैलोग्राम bisect each other तो इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं x + 1/2 y + 0/2 बी डी का मिड पॉइंट अच्छा ए सी का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा तो −2 + 4/2 और −1 + 3/2 x + 1/2 और यहाँ y/2 इक्वल टू में यहाँ 2/2 और यहाँ पर 2/2 ये कट गया 1 ये भी कट गया 1 अलग अलग यहाँ से कर लेते हैं x + 1/2 = 1 y/2 = 1 तो यहाँ x + 1 = 2 यहाँ x का वैल्यू 1 आ जाएगा और यहाँ y का वैल्यू 2 आ जाएगा। देयरफॉर d का जो क्वाड्रेंट हो गया वह 1,2 हो गया। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर और तीसरा चैनल है
रवि का आंसर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे, इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं।